तो शाम का टाइम है इस वक्त, एंड कैन यू गेस मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ भाई? एंड ऑब्वियसली शायद तुम लोग गेस कर सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ हमारे स्टेशन की छत पे। यस, हमारे बुलेट ट्रेन स्टेशन जिसका नाम फ्रैंकलिन स्टेशन होने वाला है, उसकी छत पे हूँ मैं अभी। एंड देख सकते हो भाई, अभी ये फिलहाल बिलबोर्ड वगैरह लगे हैं। अभी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बिलबोर्ड खाली है। लेकिन जब हमारी बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी तो भाई साहब कंपनियों की लड़ाई होने वाली है इन बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। खैर, वो सब बाद की बातें हैं जब हमारी बुलेट ट्रेन शुरू होगी। बाकी मेरे दिमाग में एक आइडिया था यार। देखो, अभी हमारी जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन जो है उसको रेडी होने में काफी टाइम लगेगा। बुलेट ट्रेन ऑब्वियसली रेडी हो चुकी है, कलर का काम बाकी था। तो लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई क्या कलर करवाना है, एंड सबसे ज्यादा वोट थे भाई रेड कलर पे। मैंने तुम लोगों को चार ऑप्शन दिए थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, एंड सबसे ज्यादा वोट मिले थे कलर रेड को। एंड उसके बाद फिर मैं बोल के आ गया था अपना वो जो रिपेयर वाला था, अपने जो बुलेट ट्रेन को अपग्रेड कर रहा था बंदा, उसे मैं बोल के आ गया था भाई रेड कलर करना है। एंड आई गेस कल तक वो रेड कलर कर भी देगा। फिलहाल वो छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि बुलेट ट्रेन तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बट स्टेशन रेडी होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। बट मैंने क्या सोचा है, एक बार क्यों ना टेस्टिंग की जाए बुलेट ट्रेन की, कि भाई पैसेंजर आ भी रहे हैं या फिर नहीं, या फिर मतलब जो भी है बंदे मतलब बैठ पा रहे हैं उसके अंदर, नहीं बंदे को बंदों को बढ़िया लग रहा है कि नहीं, पैसे देंगे भी कि नहीं। तो ये टेस्ट करना एक बार सही रहेगा। इस तरीके से हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या कमी है अभी बुलेट ट्रेन के अंदर, एंड बाकी स्टेशन तो अभी इनकम्प्लीट है ही। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, कल फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करने वाला हूँ इस बुलेट ट्रेन की इन लॉस सैंटोस। यस भाई, लॉस सैंटोस की सड़कों पे कल मैं फर्स्ट टाइम एवर बुलेट ट्रेन चलाने वाला हूँ। एंड वो क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट टाइम तो चलाऊंगा ही, लेकिन कई सारे स्टॉप्स नहीं होंगे, एक ही स्टॉप होगा। यहाँ से स्टार्ट होगी बुलेट ट्रेन एंड फाइनल डेस्टिनेशन होगा भाई एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट जिन भी बंदों को जाना है वो बुलेट ट्रेन पे आओ। मैंने अभी शुरुआती जो भी टिकट प्राइस रखा है वो 1000 के लगभग रखा है, जो कि आई गेस फेयर है, क्योंकि भाई बहुत ही कम डिस्टेंस है मेरे घर से और एयरपोर्ट की। वैसे डिस्टेंस तो ठीक ठाक ही है, बट बुलेट ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट जाने वाली है, एंड मैं फर्स्ट टाइम टेस्टिंग ही करने वाला हूँ यार, इसलिए मैंने काफ़ी मिनिमल प्राइस रखा है। एंड चलो भाई, लॉस सैंटोस के लोगों को बताया जाए कि भाई कल बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है, जिसको भी यहाँ आजू बाजू की गली से एयरपोर्ट जाना है वो आ जाना। बाकी ये देखो, मैं यहाँ पर बुलेट ट्रेन स्टेशन बना रहा हूँ और हमारे पड़ोसियों को देखो भाई, पार्टी में लगे पड़े हैं, पार्टी में। खैर छोड़ो, इन्हें पार्टी करने दो, मैं फोकस करता हूँ अपनी बुलेट ट्रेन पे। अब पहला सवाल तुम लोग सोचोगे कि भाई पैसेंजर कैसे आने वाले हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि कल मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ बुलेट ट्रेन की। उसके लिए भाई जाके बताना पड़ेगा सबको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ही अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूं, एंड रास्ते में तो नहीं, फिलहाल आजू बाजू की गली में बस चिल्ला के आने वाला हूं कि कल भाई बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है, 1000 रुपए टिकट है, जिसको एयरपोर्ट जाना है वो आ जाना, या फिर जिसको भी बुलेट ट्रेन में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है बुलेट ट्रेन को वो आ जाना। तो देखते हैं कितने बंदे आते हैं। और भाई इतने सारे बंदे एक तो आके बैठ जाते हैं यार, गुस्सा आ रही है इन बंदों पे मुझे। अबे निकलो ना यार, अभी स्टेशन रेडी नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ से आके इतनी जल्दी बंदे बैठ जाते हैं। चलो भाई, खैर इन्हें भी क्या ही देता हूँ मैं। सुनो, कल से बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है, ठीक है, शुरू नहीं हो रही मतलब कल फर्स्ट टाइम टेस्टिंग होने वाली है बुलेट ट्रेन की, जिसको भी एक्सपीरियंस करना है आ जाना, 50 बंदों की सीट है, ज़्यादा बंदे नहीं बैठने वाले हैं, तो आ जाना तुम लोग, ठीक है। 50 नहीं यार, 100 बंदों की सीट है। कितनी सीट थी मैं तो भूल भी गया, 50 नहीं आएगा, 100 बंदों की सीट थी। जितने भी बंदे हो सकते हैं उतने आ जाना भाई, एंड एयरपोर्ट ले जाऊंगा बस मैं, उससे आगे नहीं। तो जिसको भी अगर बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस करना है वो आ जाना कल सुबह 9 बजे। हेलो हेलो लॉस सैंटोस वालों, कल सुबह 9 बजे फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन की टेस्टिंग हो रही है मेरे घर से फ्रैंकलिन ट्रेन स्टेशन से। जिसको भी एक्सपीरियंस करना है बुलेट ट्रेन को वो आ जाना फटाफट से। आजू बाजू के मोहल्ले में बस बता देता हूँ किसको मैंने धक्का दे दिया यार, आजू बाजू का मोहल्ला क्या, अपनी गली में बोल दिया कि अपनी गली के पीछे वाली गली में बोल देता हूँ, इस वाली गली में भी बहुत सारे घर हैं। सुनो, लॉस सैंटोस में फर्स्ट एवर बुलेट ट्रेन जो कि दौड़ेगी सड़कों पे, अगर जिसको भी एक्सपीरियंस करना है वो आ जाना भाई, 1000 की टिकट है। एंड मेरे घर से एयरपोर्ट तक जाने वाली है बुलेट ट्रेन, तो जिसको भी सफ़र करना हो, जिसको भी एक्सपीरियंस करना हो वो आ जाना भाइयों। बस इतना काफ़ी आई गेस, आपके पूरे मोहल्ले में भाई सब्जी थोड़ा ना बेचने निकला हूँ मैं।
ठीक है, बता दिया, जितने बंदों ने सुन लिया, देखते हैं कितने आते हैं कल सुबह। एंड अभी चलते हैं, एक काम करते हैं, सुबह सुबह उठ के मेरे को जाना पड़ेगा बुलेट ट्रेन लाने के लिए। अभी तो मैं जाके सो रहा हूँ भाई, फिलहाल आज अपग्रेड हो नहीं पाएगा यार, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बट हाँ, जल्द से जल्द अपग्रेड करूंगा मैं। रुको भाई, बस एक बार मेरी टेस्टिंग हो जाए, उसके बाद पैसे इकट्ठे करने चलेंगे। हटो 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 हटो, साइड में हटो भाई। अरे यार, इन बंदों को चैन नहीं है क्या? बस शुरू होने दो यार, मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो बुलेट ट्रेन के लिए, लेकिन शुरू तो होने दो यार। अभी जाओ अपने घर, सबके सब निकलो अपने घर, तुम्हारी ऐसे की तैसी, निकलो। चलो चलो, मैं कह रहा हूँ ना, उठो उठो सबके सब, घर पे निकलो, घर पे फटाफट, घर पे, मैंने बोला निकलो यहाँ से, घर पे दादागिरी नहीं चलेगी, निकलो यहाँ से। अरे हद होती है भाई, अभी बुलेट ट्रेन स्टेशन शुरू भी नहीं हुआ है, बुलेट ट्रेन चलनी भी नहीं शुरू हुई, ये बंदे आके बैठ गए पहले। खैर छोड़ो, एक्साइटेड है लगता है ये कुछ ज्यादा ही। मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल सोने के लिए, कल सुबह सुबह उठ के चलेंगे भाई बुलेट ट्रेन लेने के लिए, जो कि आई गेस पेंट हो चुकी होगी रेड कलर में। हाँ, गुड नाइट। सुबह के बज रहे हैं 5, यस 5 बज रहे हैं, एंड जल्दी से चलते हैं बुलेट ट्रेन लाने के लिए। फटाफट फटाफट फटाफट, चलो 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 भाई, चलो चलो चलो, लेट्स गो। कैसे लाऊं मैं बुलेट ट्रेन? अपनी गाड़ी लेके जाऊं क्या? फिर ये गाड़ी वहीं छूट जाएगी। रास्ते से उठा लेता हूँ किसी की, रास्ते से, हाँ इसकी उठा लेते हैं, पड़ोसी की। चलो चलो, पड़ोसी की एस्टन मार्टिन उठा के चलते हैं। थैंक यू पड़ोसी भाई साहब, थैंक यू फॉर योर कार, लेट्स गो भाई। वैसे क्या बढ़िया नहीं लग रहा है यार ये, एक बार तुम लोग देखो। ओ सॉरी, एम्बुलेंस इसके लिए आई है पता नहीं। वैसे ये ट्रेन स्टेशन क्या एपिक लग रहा है अभी, जैसे जैसे और अपग्रेड होगा एकदम क्रेजी लुक आने वाली है। खैर अभी बुलेट ट्रेन लेकर आते हैं, आज फर्स्ट टाइम एवर टेस्टिंग होने वाली है। इतने दिनों से देखो गाइस, मैं बना रहा था ये बुलेट ट्रेन, बनवा रहा था, स्टेशन बन रहा था, बट तुम लोगों ने क्या सोचा था कि आज ही टेस्टिंग होगी? नहीं सोचा था ना भाई। इसी बात पे जाओ अभी कभी वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया तो यार, यस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो। एंड मैं चला बुलेट ट्रेन लेने के लिए, लगभग 70-80,000 के लगभग वोट थे, एंड सबसे ज्यादा वोट थे भाई रेड कलर के लिए। तो मैंने बोल दिया था बुलेट ट्रेन वाले को कि भाई बुलेट ट्रेन का कलर रेड रखना है, एंड आई गेस उसने रेड रख दिया होगा। अबे मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ ये? अबे गलत टर्न ले लिया शायद मैंने, पता नहीं, मैं तो रास्ता भी भूल गया। ओके ओके, आ गए भाई, शॉर्टकट से आया हूँ मैं, देख रहे हो तुम लोग? ओके, ओ ओ भाई साहब, दिख रही है भाई, ये तो ब्लड रेड कलर में है यार, क्या खूबसूरत लग रही है। ओके, दिल थाम के बैठ जाओ यार पूरी ट्रेन को देखने के लिए, जो कि पूरी रेड कलर में हो चुकी होगी। आर यू रेडी? लेट्स गो लेट्स गो, धीरे धीरे आगे चलते हैं। ओके ओके, धीरे धीरे करके पूरी ट्रेन रिवील हो रही है, एंड हियर वी गो। क्या ब्यूटीफुल लग रही है ये, ओ भाई साहब, क्या कलर किया है यार लौंडे तूने भाई, मजा ही आ गया यार, तू तो बढ़िया बंदा निकला एकदम। अरे यार क्या खूबसूरत लग रही है ये बुलेट ट्रेन, सीरियसली में, ओ नाइस नाइस भाई, मजा ही आ जाएगा। लॉस सैंटोस के लोग भाई ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा वो उन लोगों ने कि भाई सड़कों पे बुलेट ट्रेन चलते हुए वो लोग देखेंगे। बट आज सुबह होने वाला है भाई ये, फिलहाल 5 बज रहे हैं सुबह के, 9 बजे का मैंने टाइम बोला था, फटाफट सब इस बुलेट ट्रेन को लेकर घर निकलते हैं। थैंक यू यार, तूने बढ़िया काम किया, पेंटिंग के पैसे, अरे दे दूंगा यार, रोता रहता है जब देखो तो पैसों के लिए। मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बुलेट ट्रेन, लेट्स गो गाइस, लेट्स इट। ओके, बुलेट ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ, नहीं नहीं बुलेट ट्रेन नहीं, रेड कलर की बुलेट ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ। कम ऑन, यहाँ से आराम से एक टर्न, ओ भाई सब क्या क्रेजी लग रही है ये, यहाँ से प्यार से एक टर्न। अरे हट जाओ यार लॉस सैंटोस वालों, हट जाओ, बुलेट ट्रेन को ज़रा रफ्तार पकड़ने दो, एंड यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने घर की तरफ। अरे यार ये लॉस सैंटोस की सड़कों पर एक तो गाड़ियाँ इतनी चलती रहती हैं, बुलेट ट्रेन अपनी रफ्तार ही नहीं पकड़ पा रही है भाई, लगता है अब लॉस सैंटोस पे अलग से सड़कें बनवानी पड़ेंगी भाई मुझे अपनी बुलेट ट्रेन के लिए, सीरियसली मैं, बंदे हट ही नहीं रहा भाई, हटे जा भाई। ओके स्पीड में आने दो यार, 100 से ऊपर ही नहीं जा रही भाई, 300-400 की रफ्तार तक जाने वाली बुलेट ट्रेन है ये, 100 से ऊपर ही नहीं जान दे रही है लोग। ओके फाइनली 200 पे पहुंची थी, अब फिर से 100 से नीचे। अबे ट्रैफिक वालों हट जाओ, ये ट्रैफिक का कुछ करना पड़ेगा यार, बुलेट ट्रेन अपनी रियल स्पीड में तो कभी आ ही नहीं पाएगी। 300 की रफ्तार पहुंचते ही सामने ट्रैफिक एंड रोकनी पड़ जाती है अपनी ट्रेन। ओके ओके यार, 100 की रफ्तार में बुलेट ट्रेन चल रही है, कोई बात होती है इसके लिए तो ये वॉकिंग है, जैसे बंदे दौड़ते हैं चलते हैं वैसे इस बुलेट ट्रेन के लिए चलने की रफ्तार है 100, तो दौड़ने की रफ्तार तो 300-400 है। अबे हट जाओ सामने से। ओके नाइस गाइस, अपनी गली में पहुंचने वाला हूं मैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बुलेट ट्रेन चल रही है सड़कों पे, एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, यस। एंड ये मेरी बुलेट ट्रेन है, किसी और की नहीं है, मेरी बुलेट ट्रेन है भाई। Here we go, come on, nice, nice, बहुत ही बढ़िया। एंड आ गए अपने फ्रैंकलिन ट्रेन स्टेशन पे, एंड इस बुलेट ट्रेन को इस तरीके से लगा देते हैं,
एंड रेडी हो जाते हैं भाई फर्स्ट टाइम चलाने के लिए। चलो अभी बाहर निकलते हैं एंड वेट करते हैं लोगों के आने का। पता नहीं कभी लोग आने वाले, 9 बजे आएंगे और क्या। बुलेट ट्रेन पार्क कर दिए मैंने 9:04 हो गए हैं यार और अभी तक कोई आया ही नहीं मेरी बुलेट ट्रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए। इतनी मेहनत से मैं ये बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठपना हो जाए यार। फर्स्ट टाइम आज टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं इस बुलेट ट्रेन की एंड कोई भी अभी तक पैसेंजर नहीं आया। अपने आजू बाजू के गली मोहल्ले में कल रात को गला फाड़ के आया था मैं, फिर भी कोई नहीं आया। कोई बात होती है ये यार, ये तो पोपट पे पोपट हो रहा है। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद फिर कोई आ जाए। लेट्स वेट, क्या ही कर सकता हूँ मैं। 9:15 हैं एंड तुम लोगों को क्या लग रहा होगा मेरा बुलेट ट्रेन का ये बिजनेस ठप पड़ने वाला है, यही लग रहा होगा ना भाई। लेकिन लगभग 10 मिनट पहले कोई पैसेंजर नहीं था एंड जरा अब देखो तुम लोग पैसेंजर्स की लाइन तो देखो भाई, जरा ये लाइन तो देखो भाई, ये लाइन तो देखो कहाँ तक जा रही है। यस, इतने सारे पैसेंजर आ गए हैं भाई हमारी बुलेट ट्रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड तुम लोग लग रहा होगा कि भाई काफी पैसेंजर है, नहीं भाई तुम लोग भाई सीरियसली में अंदाजा नहीं है, ये वो पैसेंजर्स हैं जिनको सीट नहीं मिली है। बाकी मेरी बुलेट ट्रेन तो पूरी फुल हो चुकी है। ओ भाई साहब, ये तो नेक्स्ट लेवल जा रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल। आई एम सॉरी एवरीवन बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई एम सॉरी आप लोगों को सीट नहीं मिल पाई, आपको कहाँ से जगह दे दूँ यार, नहीं है जगह अंदर सीरियसली में सर। लेकिन आप टेंशन मत लो, जल्द ही 1-2 हफ्ते के अंदर ये बुलेट ट्रेन मस्त एकदम शुरू हो जाएगी। एक बार बस मेरा ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन रेडी हो जाने दो एंड देन एवरीवन विल गेट द सीट। यस सर, इसलिए आई एम सॉरी सभी को, आप वापस चले जाओ सबके सब। आप 10 गुना प्राइस देने को तैयार हो? नहीं सर, ऐसी कोई प्राइस की दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट नहीं हमारे पास, आई एम सॉरी। अब बैठे हुए बंदे को तो थोड़ी ना हटा सकते हैं, सॉरी सर, लेकिन आप लोग चले जाओ। भाई साहब कितने बंदे आ गए यार। एंड अभी इस बुलेट ट्रेन को शुरू करने का टाइम आ चुका है, लेट्स गो। वंस अगेन आई एम सॉरी एवरीवन, आई एम रियली वेरी सॉरी आप लोगों को सीट नहीं मिल पाई, बट नेक्स्ट टाइम। आज मेरी फिलहाल ये टेस्टिंग है, लेकिन जब ये बुलेट ट्रेन फुल्ली एकदम फंक्शनल हो जाएगी आप सबको सीट मिलेगी। बाकी 100 ही सीट थी मेरे पास, बाकी अब कितने लोग हो भाई, लगभग 50 लोग होंगे ये लोग। आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम। फिलहाल यहाँ पर बुलेट ट्रेन फर्स्ट टाइम एवर शुरू हो चुकी है एंड यहाँ पर भाई चल पड़ी है हमारी बुलेट ट्रेन, लेट्स गो। हुर्रे भाई हुर्रे, मज़ा आ गया। एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं अभी एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये सभी लोगों का बुलेट ट्रेन के अंदर। इससे पहले जितने भी मतलब बंदे बैठे तो होंगे यार बुलेट ट्रेन में, लेकिन ज़्यादातर बंदे बुलेट ट्रेन के अंदर कभी भी नहीं बैठे हैं। एंड मैंने सबसे भाई 1000 की फीस चार्ज की है, जो कि आई गेस ठीक है, अभी शुरुआत है भाई और आज तो स्पेशल टेस्टिंग ही है। ओके, एयरपोर्ट जाना है एयरपोर्ट। अरे भाई सड़क पे गाड़ियाँ ही नहीं नजर आ रही, लगता है मेरी बुलेट ट्रेन के लिए पूरी सड़क खाली हो गई है। सही तो है, मुझे क्या भगाते हैं बिंदास फिर बुलेट ट्रेन। भाई साहब 300 की रफ्तार में, ये होती है ना भाई बुलेट ट्रेन की रफ्तार, उत्तरी। ओ भाई साहब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, लेट्स गो एवरीवन। चलो 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 चलो, क्या मक्खन चल रही है भाई, ये एकदम स्मूथ आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। लॉस सैंटोस के लोगों, कोई प्रॉब्लम? बाथरूम जिसको जाना हो जाते रहना भाई। एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एयर कंडीशनिंग वगैरह एवरीथिंग ऑल राइट। बुलेट ट्रेन की सीट्स तो कंफर्टेबल है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है तो चलते हैं फुल स्पीड में बिंदास, 250 की रफ्तार पे भगाते हुए बुलेट ट्रेन हमारी दौड़ती हुई भाई सड़क पे चल रही है। जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, इधर थोड़े टर्न्स थे तो मैंने बुलेट ट्रेन को थोड़ा सा स्लो किया है एंड अभी बिल्कुल सीधा रास्ता आते ही भगा डालो बुलेट ट्रेन। एंड लो भाई, अबे यार इतनी जल्दी एयरपोर्ट पे पहुंच भी गए, ओ नो। मेरे को तो लगा था अभी और एक्सपीरियंस करने को मिलेगा भाई, जितना लोगों को बैठने में मज़ा आ रहा है उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। क्या मस्त मक्खन चल रही है एकदम। आ गए भाई एयरपोर्ट आ गए, आई एम सॉरी एवरीवन, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हम लोग। लिटरली में भाई कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गए, कितना टाइम हो रहा है अभी? 9:40, मतलब लगभग 25 मिनट लगे हैं शायद अपने को। यस 25 मिनट के अंदर। चलो भाई उतर जाओ पैसेंजर्स भाई प्लीज़। तो यहाँ पर एक एक करके भाई सारे पैसेंजर उतर चुके हैं। भाई देख रहे हो तुम लोग, एक इतनी सी बुलेट ट्रेन में कितने पैसेंजर भर के लाया था, लगभग 100 के लगभग थे। फिलहाल यहाँ पर वापस अपनी बुलेट ट्रेन निकल पड़ी है, बाय बाय एवरीवन। एंड भाई 20 मिनट में 1 लाख हो गए मेरे पास, क्योंकि मैंने 1000 चार्ज किए थे पर पैसेंजर एंड लगभग 100 पैसेंजर्स चढ़े अपनी इस बुलेट ट्रेन के अंदर। 20-25 मिनट में 1 लाख अर्न कर लिया मैंने भाई साहब।
एंड एक बार ऐसी ही और बुलेट ट्रेन चला दूँ मैं लॉस सैंटोस के अंदर। एंड स्टेशन का तो ज़्यादा खर्चा आने नहीं वाला, स्टेशन का तो खर्चा एक बार का ही है, एक बार स्टेशन बना दो बस वो चलता रहेगा, बुलेट ट्रेन दो चार और चला दो। भाई साहब मैं लिटरली मैं लॉस सैंटोस का वन ऑफ द रिचेस्ट बंदा बन जाऊँगा अगर ये मेरा बिजनेस सही चल पड़ा तो। फिलहाल तो क्या ही चलेगा यार, बिजनेस चलाने के लिए शुरुआत करने के लिए पैसे चाहिए एंड मेरे पास पैसे ही नहीं है। अभी तो मेरा वो बुलेट ट्रेन का स्टेशन ही रेडी नहीं हुआ है, उसको रेडी होने में ही पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। अभी तो उसको रेडी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है मुझे। चलो अब पैसे अर्न करने के लिए चलते हैं यार। ओके लेट्स गो, पहले तो घर निकलते हैं। एंड इस बुलेट ट्रेन को कहाँ पार्क करूँ मैं? एक काम करता हूँ, उस बस वाले को वापस से ये ट्रेन दे के आ जाता हूँ। मैं कह देता हूँ भाई पार्क कर ले अपने बस स्टॉप पे ही कुछ दिनों के लिए, बाद में मैं लेके चला जाऊंगा अपनी बुलेट ट्रेन। हाँ ये ठीक रहेगा, वहीं दे के आ जाते हैं इसे। वैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है ये लॉस सैंटोस में कि कोई बंदा बुलेट ट्रेन चला रहा है सड़कों पे, वरना बुलेट ट्रेन सड़कों पे कहाँ चलते हुए देखी है भाई तुम लोगों ने। ओके नाइस एंड हियर वी गो, रिवर्स में आराम से बहुत ही बढ़िया आ गए बाहर। सॉरी ब्रदर, ये बुलेट ट्रेन में बाद में लेके चला जाऊंगा, ठीक है अभी अपने यहाँ ही पार्क कर ले कुछ देर टाइम के लिए। चलते हैं यार, अभी तो पैसों कमाने के लिए चलते हैं। पहले तो एक टैक्सी पकड़ के निकलते हैं घर। एक तो यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी नज़र नहीं आ रही भाई, टैक्सी वैक्सी तो दूर की बात है, पता नहीं क्या हो गया, गाड़ियाँ ही नहीं चल रही हैं, क्या सीन हो गया यार। अरे कोई है इधर? अबे यार गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही, इधर पार्किंग है कुछ है इधर। अबे एक साइकिल पड़ी हुई है किसी की, चलो गाड़ी तो मिल नहीं रही है, साइकिल से ही काम चलाना पड़ेगा। फटाफट से साइकिल लेके घर निकलते हैं यार, एंड घर से गाड़ी उठा के चलेंगे पैसे अर्न करने के लिए। ओहो कहाँ से करूँ पैसों का जुगाड़ अब मैं? अभी तक देखो भाई टोटल लगभग स्टेशन के अंदर मैं 25 करोड़ का खर्चा कर चुका हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 25 करोड़ के लगभग का खर्चा हो चुका है स्टेशन के अंदर। अभी और 25 करोड़ का जुगाड़ करना पड़ेगा। फिलहाल 25 करोड़ और तो कहाँ से ही आज जुगाड़ करूँ मैं, आज 5 करोड़ का जुगाड़ करते हैं। चलो 5 करोड़ का तो यूँ हो जाएगा जुगाड़, देखते हैं किधर से करना है 5 करोड़ का जुगाड़। सोचते हैं पहले तो घर चलते हैं फटाफट। हाँ तो ट्रेन तो हमारी रेडी हो गई है, उसके अंदर तो कुछ खर्चा करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी बात रही अपने स्टेशन की, उसमें 25 करोड़ अभी तक लग चुके हैं। आज मैं 5 करोड़ का और जुगाड़ कर दूंगा तो कल सुबह तक 5 करोड़ का इस्तेमाल करके भाई अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रेडी कर देगा आगे का बुलेट ट्रेन स्टेशन। तो टोटल इस वक्त खर्चा हो जाएगा भाई 30 करोड़ का, बाकी नेक्स्ट टाइम हमें 20 करोड़ का और जुगाड़ करना होगा। ठीक है आज 5 करोड़ का करते हैं। पहले बैंक वैंक लूट लूँ क्या कोई? यार बैंक लूटने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट खतरा है यार, अब पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं एंड फिर वो वांटेड के पोस्टर लग जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। बैंक लूटना तो कैंसल, कहीं किसी अमीर बंदे को लूट लिया जाए, अरे फिर वही बात हो गई यार, फिर पुलिस के लफड़े। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिसमें पुलिस के लफड़े ना हो, जैसे लास्ट टाइम भाई ना पुलिस के लफड़े हुए ना कुछ, मैं गया सिंपली एक बंदे को बचाया एंड लेके आ गया, जो रेस्टोरेंट ने टास्क दिया उस वाले टास्क की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी वैसा ही कोई टास्क मिल जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं मिलेगा भाई, किससे पूछूं मैं? लेस्टर के पास तो होता तो अगर वो पहले ही खुद ही कॉल कर देता। हाँ खुद ही सोचना पड़ेगा 5 करोड़ का जुगाड़ कहाँ से करना है। रुको मैं सोचता हूँ ज़रा क्या कर सकते हैं 5 करोड़ के लिए। किसी की गाड़ी वाड़ी चुरा लेता हूँ महंगी सी, यस ये ठीक रहेगा। लेकिन गाड़ी चुराऊँ किसकी? अबे गाड़ियाँ चल रही हैं इधर तो। ओके साइकिल को इधर लगा देते हैं आराम से। एंड कितने बंदे आके बैठे रहते हैं यार, पार्क नहीं है भाई, ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है, ये मेरा प्राइवेट बुलेट ट्रेन स्टेशन है। बंदे मानते ही नहीं, देखो कितने सारे आके बैठे हुए हैं पार्क की तरह। छोड़ो खैर इन्हें, 5 करोड़ कहाँ से लाऊं मैं 5 करोड़, किधर से होंगे जुगाड़? कैसे यार, शाम को भाई अपना वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसको देने भी पड़ेंगे अपग्रेड के लिए, पैसे तो चाहिए। चलो ढूंढते हैं 5 करोड़ जुगाड़ करने का कोई तरीका। 5 करोड़ के जुगाड़ करने का आइडिया ही नहीं मिल रहा है यार। एक आइडिया दिमाग में आ रहा है, साइमन का स्टोर लूट लूँ मैं, जाके उसकी बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ रखता ही है, उनमें से कोई एक गाड़ी चुरा लूँ एंड लेकिन फिर उसे बेचूँगा किसे मैं। काफ़ी कम बंदे हैं जो चोरी की गाड़ियाँ खरीदते हैं। एक बंदा जिसको मैं जानता हूँ जो चोरी गाड़ी खरीदता है वो साइमन ही है। अब साइमन की गाड़ी चुरा के साइमन को तो बेच नहीं सकता, कहाँ से करूँ जुगाड़? साइमन की गाड़ी चुरा के साइमन को नहीं बेच सकता, लेकिन किसी और शोरूम से गाड़ी चुरा के तो साइमन को बेच सकता हूँ मैं। आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन यार शोरूम का फिर वही लफड़ा है, शोरूम से गाड़ी चुराने कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पकड़ा जाऊँगा, पुलिस वाले बहुत सारे पीछे पड़ जाएंगे, या फिर शोरूम पे ही बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। लफड़ा है भाई लफड़ा है, बहुत तगड़ा लफड़ा है शोरूम से गाड़ी चुराने में, किसी बंदे के घर से गाड़ी चुरानी पड़ेगी। बट ये भी तो है, मुझे क्या पता किसके पास कितनी महंगी गाड़ी है, पता भी तो नहीं चलता है। क्या करूँ, यहाँ पे काफ़ी अमीर बंदे आते जाते रहते हैं,
इस बड़े वाले टावर पे। डेफिनेटली यहाँ पर शायद कोई बंदा आया हो महंगी सी गाड़ी लेके। चले क्या भाई, लेकिन इस टावर पे जाने में ज़िंदगी लग जाएगी भाई। जंतसू टावर नाम है इस टावर का, एंड इस टावर पे सीरियसली में जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। छोड़ो भाई, मैं नहीं जा रहा इस टावर पे। जब तक इस टावर पे जाऊँगा तब तक तो 5 करोड़ का जुगाड़ कर भी लूँगा मैं। छोड़ो छोड़ो, कैंसिल कैंसिल। कहाँ से लाऊं यार 5 करोड़, किसकी गाड़ी चलाओ किसकी। एक काम करते हैं, हम हीरो के मोहल्ले में चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई घर मिल ही जाएगा जहाँ पर बढ़िया गाड़ी वाड़ी हो। लेट्स गो। ओके ओके, आ गए आ गए आ गए अमीरों के मोहल्ले में। यहीं पे झांक लूँ क्या भाई, इनके घर में ही बढ़िया सा घर दिख रहा है। हेलो, कोई अमीर बंदा है क्या, मतलब कोई बढ़िया सी गाड़ी रखते हो क्या? ओ भाई साहब, तालाब वालाब है यार, यहाँ तो गाड़ी तो नहीं दिख रही है इस घर में। भाई मैं कह नहीं रहा, आजकल पैसों का जुगाड़ करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हाँ भले मेरे दोस्त वोस्त हेल्प कर देंगे तो पैसों का जुगाड़ हो जरूर जाएगा, लेकिन ऐसे किसी के घर से गाड़ी चुराना या किसी तरीके से कुछ करना, इस तरीके से पैसों का जुगाड़ करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। नो, ओ मैं कूद गया गलती से। मेरे को आना नहीं था यार, मैं गलती से गिर गया हूँ इधर। ओ नो, मैं फंस जाऊँगा भाई, किसी ने देख लिया तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। खामखा कुछ है नहीं यहाँ पे चोरी के लायक भी, गाड़ी के चक्कर में आया था, गाड़ी वाड़ी तो है नहीं यहाँ पे। भागो भागो यार, मैं तो झांक रहा था गाड़ी वाड़ी है कि नहीं, मैं तो गिर ही गया। ओ नो, ओहो चेस पीसेस वगैरह रखे पड़े हैं। अरे मैं बाहर कैसे जाऊँ। ओ शिट, कैसे जाऊँ मैं बाहर, यहाँ से जल्दी। भागो भागो भाई, भागो इधर से भाग लो। बहुत ही बढ़िया, ओके आ गया। अबे आ गया लेकिन किसी और के घर में। ओ नो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ भाई। मैं एक घर से निकल के किसी और के घर में आ गया। शिट शिट, मैं फंस जाऊंगा सीरियसली, मैं किसी ने भी देख लिया ना भाई, मैं बहुत ही बुरा फंसने वाला हूँ। भागो यार, बस भागते रहो, जल्दी। गाड़ी नहीं दिखी लेकिन किसी के भी घर में, इतने बड़े बड़े घर थे। निकल गया बाहर, बच गया। वापस अपनी गाड़ी के पास चलते हैं। यार अमीरों के मोहल्ले में भी आजकल बंदे गाड़ी नहीं खरीद रहे महंगी, मैं बता रहा हूँ। अरे किधर ही खो गया मैं, ये उस वाले हाईवे की तरफ कैसे जाऊँ, अबे कहाँ फंस गया मैं। ओके उतना लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट। भाई सीरियसली मैं 2-3 घर देखे मैंने, इतने बड़े बड़े और इतने बढ़िया बढ़िया, कहीं पे भी कोई बढ़िया सी सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार कुछ भी नहीं थी। 5 करोड़ का जुगाड़ आखिर करूँ तो करूँ कैसे मैं, कैसे। चलो आगे चलते हैं, अमीरों का मोहल्ला इतना ही थोड़ा है, आगे तो अभी बहुत सारे घर है, मे भी उधर मिल जाए। वैसे ये घर कितना बड़ा है यार, इसकी बाउंड्रीज तो देखो कब से हैं, बाउंड्रीज कब से दौड़ रहा हूँ, बाउंड्रीज नहीं खत्म हो रही है इसकी। चलो आ गए ये दूसरी तरफ, एंड हियर वी गो। चलो भाई आ गए, एंड बैठो गाड़ी में, चलते हैं अमीरों के मोहल्ले में आगे की तरफ। देखते किसी और के घर में बढ़िया सी गाड़ी मिलती है क्या मुझे, काफ़ी मुश्किल हो गया कोई बढ़िया गाड़ी ढूंढना। हेलो, किसी के घर में बढ़िया गाड़ी है, ये तो फॉर सेल है, इस घर में है क्या? अबे सारे घर झांकने पड़ेंगे क्या मुझे यार, कोई बात होती है, ये भी फॉर सेल है, इसमें तो नहीं दिख रही है कोई गाड़ी। इस वाले घर में भी झांक लेते हैं एक बार। जैगवार है, लोकल सी, मतलब लोकल सी क्या, जैगवार है, लेकिन 5 करोड़ में थोड़ा जैगवार जाती है। अब इस वाले घर में है क्या, एक बार जाके आते हैं अंदर। ऑडी दिख रही है, नहीं 5 करोड़ की कोई गाड़ी नहीं है। 5 करोड़ आप बताओ यार, 5 करोड़ का जुगाड़ करना है सिर्फ, तब भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर है क्या, ओए वेट, रोल्स रॉयस मिल गई गाड़ी। चलो भाई, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, एंड रोल्स रॉयस रखी है आप लोगों ने, फरारी भी रखी है, क्या बात है, मैं रोल्स रॉयस लेके जा रहा हूँ, थैंक यू। अबे फरारी नहीं है ये, पता नहीं कौन सी है, छोड़ो, रोल्स रॉयस सिंपल एंड इजी, थैंक यू सर। अरे सर आप कुछ बोलोगे नहीं हैं, तो नौकर है भाई इस घर का, तो फिर मत बोल, सही तो है। चलो भाई, उसके बॉस की गाड़ी चोरी हो गई, कुछ बोला ही नहीं नौकर, मेरे को क्या है, फटाफट से ब्यूटीफुल सी रोल्स रॉयस लेकर चलते हैं। यार कैसा प्रिंट करवाया है यार रोल्स रॉयस का, उतना भी कुछ प्रीमियम सा नहीं लग रहा, लोकल सी सस्ती सी गाड़ी लग रही है ये, बट हाँ रोल्स रॉयस है तो रोल्स रॉयस तो रोल्स रॉयस ही होती है। फटाफट से इसे ले जाके बेच देते हैं भाई साइमन को, चलो क्विकली। आ गए भाई साइमन के शोरूम, साइमन है क्या, ओ ये तो रहा, ओहो इसके पास एक गाड़ी भी है, अच्छा ये गाड़ी शायद मैंने ही तो दी थी इसे। छोड़ो साइमन भाई, ज़रा बताए इसका प्राइस, 5 करोड़ दे फटाफट। बड़ी मुश्किल से माना भाई, लेकिन मान ही गया साइमन 5 करोड़ देने के लिए, कह रहा है 7 करोड़ में बेच दूंगा। भाई तू जितने में मर्जी उतने में बेच, मेरे को 5 करोड़ चाहिए थे, मिल गए, चलते हैं घर, टैक्सी लेनी पड़ेगी। आ गया भाई फाइनली घर पे, एंड हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे। ये लो भाई साहब, आज 5 ही करोड़ है, जितना अपग्रेड कर सकते हो 5 करोड़ में करो।
मैं थक गया हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे सुबह ही डायरेक्ट। अब सुबह हो चुकी है भाई, एंड ये टाइम है ज़रा ये देखने का कि अपग्रेड क्या क्या हुआ है हमारे बुलेट ट्रेन स्टेशन में। फिलहाल सुबह नहीं, कुछ ज़्यादा ही सुबह हो गई है, मैं 11 बजे उठा हूँ आज। कोई बात होती है, ये 11 बजे कौन उठता है? ओके बाहर चलते हैं। ओ भाई इधर अपग्रेड्स तो लग रहे हैं, अपग्रेड्स थोड़े बहुत लग तो रहे हैं। एंड यहाँ पर ओके, इस बार जो मार्बल वगैरह है, जो भी टाइल्स वगैरह थी, वो फुल्ली अपग्रेड हो चुका है यहाँ से लेकर इधर तक, वरना कल तक यहीं तक था। एंड आज देखो यहाँ इधर इधर मार्बल वगैरह सब लग गया है, इधर की तरफ भी लगा दिया है भाई। एंड इसके अलावा छत की तरफ ये जितने भी रूम्स थे आधे अधूरे, उनमें वॉल्स लगाई जा चुकी है, एंड वॉल्स के अंदर पेंटिंग्स लगाई जा चुकी है। वेट व्हाट? अच्छा हाँ, मैंने ही तो बोला था जब लास्ट टाइम मैं बुलेट ट्रेन स्टेशन से, नहीं मेट्रो स्टेशन से देख कर आया था, तब मैंने बोला था कि भाई पेंटिंग वेंटिंग भी लगा, स्टेशन पे पेंटिंग भी बड़ी मस्त मस्त लगी रहती हैं। तो उसने देखो गाइस पेंटिंग्स लगाई हैं। अब पता नहीं कैसी पेंटिंग्स लगाई हैं, ज़रा देखते हैं क्लोजली। भाई यार मैं चढ़ ही नहीं पा रहा, मैं अपने बुलेट ट्रेन स्टेशन पे नहीं चढ़ पा रहा भाई, इधर सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ लगवानी पड़ेंगी। ओके ये तो लोकल सी नॉर्मल सी पेंटिंग है, चलो ठीक है बाद में बढ़िया वाली लगा देंगे। ओके इधर पेंटिंग्स हैं, एंड इधर तो पूरी वॉल लगा दी है भाई उसने चारों तरफ। इसके ऊपर जाऊँ कैसे, मेरे को कोई बताएगा? एक सेकेंड मैं चला जाऊँगा, रुको रुको, यहाँ से इधर जाना है, एंड देन यहाँ से आप इधर जाना है, एंड नो मैं नहीं जा पाया, फिर से लेट मी ट्राई वंस अगेन। इधर से इधर जाना है, एंड यहाँ से फिर जंप लगानी है, कम ऑन जंप, कम ऑन। अबे नीचे जंप नहीं लगानी थी, छोड़ो इधर से जाने का प्लान बेकार है, मैं इधर से जाऊँगा। अबे अपने बुलेट ट्रेन स्टेशन में नहीं चढ़ पा रहा मैं, कोई बात होती है ये? सिंपली यहाँ से कैसे जाऊँ मैं, हाँ यहाँ से इधर, एंड यहाँ से ओके नाइस आ गया, आ गया इस रूम में जहाँ कॉफ़ी मशीन एंड ये वेंडिंग मशीन लगी है। बाकी ये कुछ पेंटिंग्स हैं मिनिमल सी, मस्त सी, एपिक सी, एंड आई गेस ठीक है सब कुछ फिलहाल, अभी धीरे धीरे ही बनेगा। वैसे भी मैंने 5 ही करोड़ दिए थे, अभी तक टोटल 30 करोड़ का खर्चा हो चुका है हमारे बुलेट ट्रेन स्टेशन में, एंड कुछ ऐसा लग रहा है। अगर बात करूँ लुक वाइज तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, उतना भी कुछ खास नहीं है, हाँ बट उतना भी कुछ बेकार नहीं है। फील तो आ रहा है यार देखो अब स्टेशन वाला, अभी इधर ग्लास वगैरह एंड बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स, एलईडी स्क्रीन्स सब लग जाएंगी, तो और भी ज़्यादा एपिक लगने लग जाएगा। खैर जो भी हो, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर तुम लोगों ने ये बुलेट ट्रेन वाली पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो जाकर तुम लोग यहाँ पर क्लिक करके पूरी की पूरी सीरीज़ देख सकते हो भाई, तुम लोगों को पता चल जाएगा कहाँ से मैं ये बुलेट ट्रेन लेकर आया, किस तरीके से मेरे पास आइडिया आया, किस तरीके से भाई इस बुलेट ट्रेन के बनने की शुरुआत हुई, एंड किस तरीके से मैं अपने घर को एक बुलेट ट्रेन स्टेशन में चेंज कर रहा हूँ। अगर तुम लोग सब कुछ जानना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।